ओके आज असी डिस्कस करांगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की होंगी है? असी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, चार्ज बारे पढ़ रहे हैं। तो आप कहांगे कि मान लो कि एक कोई चार्ज है क्यों, ओके क्यों चार्ज है, ये आले दुआले की स्पेस मान लें कि कैप है साढ़े पास, और कैप एक चार्ज बॉडी आ। इस चार्ज बॉडी के आले दुआले की वो स्पेस, ओके हुण क्वेश्चन आइज होंगे कि भाई यदी जी आले दुआले की स्पेस है वह तो यूनीवर्स के सारे कितने स्पेस ही है, छड़ के बाकी सारी आले दुआले ही है। असी कहना कि फिर इलैक्ट्रिक फील्ड का की कंसैप्ट है? असी कहना कि इलैक्ट्रिक फील्ड ये आले दुआले की वो वाली स्पेस आ, वो वाला रीजन आ जिथे ये असर न महसूस किया जा सकता है। हुण एक चार्ज का असर की हुंदा है, मतलब एक चार्ज रखिया उहदे लागे आपने कोई दूसरी चार्ज बॉडी रखी, ठीक है, तो इन उस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करना। इट मीन जे ये आले दुआले मैं किसी जगह पर कोई दूसरी बॉडी रखता है उन्होंने अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो इट मीन दूसरा चार्ज रखता जा तो इतने ये असर को महसूस किया जा रहा है, जेदे असर ये मेजर किया जा रहा है, ये असर ये इफेक्ट न, मतलब इतने यदि इलैक्ट्रिक फील्ड हैगी है। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड की है और जेदा असी देखना है, लाइक जी इलैक्ट्रिक फील्ड देखनी है उन्होंने असी सोर्स चार्ज ना शब्द वरता उस चार्ज के। इट मीन इलैक्ट्रिक फील्ड की है द रीजन अराउंड अ चार्ज और स्पेस अराउंड अ चार्ज, मतलब एक चार्ज के आले दुआले उस स्पेस इन विच इट्स इफेक्ट एदा असर कैन बी मेजर। द रीजन एक चार्ज के आले दुआले एक स्पेस एक रीजन जिथे उस चार्ज के इफेक्ट नो मेजर किया जा सकता है। द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर। ओके वो साढ़े को स्पेस आ रीजन है, वो साढ़े को मेरा बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फील्ड है फैली हुई है, ठीक है। और जे आ सोर्स चार्ज है, इस चार्ज की असं इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं, असं कहने कि आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली करनी है, तो पी पॉइंट आ जिथे असं इसकी की पता करनी है इलैक्ट्रिक फील्ड। आप इलैक्ट्रिक फील्ड न रीप्रजेंट करा ई दे, मैं पॉजिटिव चार्ज लिया इलैक्ट्रिक फील्ड बाहर लवेंगे, नैगेटिव चार्ज के अंदर वो बारे ही डिस्कस करा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन में, इस भी मैं समझावगा इस तरीके ना कि उसे डिटेल डिस्कस कर दी ना। हुण ये तो हो गया कि एक चार्ज आ, चार्ज के आले दुआले की वो स्पेस आ रीजन आ जिथे ये असर ये इफेक्ट न मेजर किया जा सकता, नापया जा सकता या फेल्ट किया जा सकता। बट है कि हुण मान लें कि मैं एक 10 कूलम चार्ज लेना है, उस तो 1 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी लेना है, और एक बॉडी मैं 100 कूलम चार्ज लेना है और वह भी 1 सेंटीमीटर दूर पी पॉइंट लेना, की इन्हों दोनों पॉइंट की, क्योंकि असं की बोल रहे हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड की है एक चार्ज के आले दुआले की स्पेस जिथे उसके असर न महसूस किया जा सकता है। तो हम क्वेश्चन राइज होंगे कि मैं एक 10 कूलम चार्ज लिया एक 100 कूलम चार्ज लिया एको जी दूरी पर की उन्हों की जी इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी वह सेम होएगी? नहीं, इलैक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होएगी, ठीक है। यदा मतलब इनू मेजर करना, ये मैगनीट्यूड को फाइंड आउट करने का कोई तरीका है? ओके असं एक होर इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड की है। ओके इलैक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज असि शब्द वरते हैं, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चार्ज अगे मतलब की है कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हूँ साढ़े पास की है, असं देखते हैं कि साढ़े को जी इलैक्ट्रिक फील्ड आ, मैं बोल रहा कि ई पॉइंट से वैल्यू मैथमेटिकल एक्सप्रैशन की है फोर्स। हूँ मैं करना क्या था सोर्स चार्ज लिया, इतने कोई समॉल चार्ज रखता, इन असी कहना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके ये बहुत दोनों गल्ला इंपॉर्टेंट आ, जिदे असर नू महसूस कर रहे आप, जिदे असर नू आपां ने डिस्कस करना, ठीक है, मतलब जिहड़ी चीज़ अहीं इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, वो आ साढ़े कोल, उहनूं असीं सोर्स चार्ज कह के प्रनाउंस करांगे कि सोर्स चार्ज आ जिहदी असीं इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करन जा रहे हैं, और आ वाला साढ़े को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ जिहते आपां जिहदी हैल्प दे नाल इस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी आ। हुण मैं की कहा कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दे उत्ते ठीक है कि नहीं फोर्स एप्लीकेबल हैगी है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से, पर यूनिट चार्ज बोल सकते हैं। ओके इट मीन के जेडी फोर्स हुण आ पॉजिटिव चार्ज आ, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे नूं रिपेल करनगे, ठीक है भी एफ फोर्स दे नाल दोनों एक दूसरे नूं रिपेल कर रहे हैं, इस पॉइंट से जेडी इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी, इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी वह की होएगी कि किन्नी फोर्स लग रही है, किन्ने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से, किन्नी फोर्स लगती पई है किन्ने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के उत्ते। इतने एक गल का ख्याल रखना कि यह जो चार्ज है जिन्ना समॉल तुहाडे कोल लैक हुंदा है तुसीं इहदी वैल्यू ओनी ही समॉल लैनी है, मतलब इतने कंडीशन मैं पुट कर रहा कि लिमिट लॉ कि जो क्यू नॉट अप्रोच करता हो जीरो, ओके ख्याल रखना कि मैं एरो पाया इट मीन अप्रोच टू जीरो, अप्रोच टू जीरो का मतलब आ कि यह लगभग जीरो आ पर जीरो नहीं, मतलब इन्नी समॉल आ कि लगभग की है जीरो, यह मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड साढ़े को हो गई कि किन्नी फोर्स लगती पई है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के उत्ते, ता उस फोर्स नूं असीं की कहांगे मेरा बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के उत्ते, जिदा कि इस पी पॉइंट से आपां ने कहा फाइंड आउट करना। ओके सैकेंड गल जिहड़ी याद रखनी है कि साढ़े पास ऑबवियस मैं इत्थे वैक्टर पा रहा, इत्थे वैक्टर पा रहा, इट मीन के जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड आ, इलैक्ट्रिक फील्ड इज वैक्टर क्वांटिटी। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड एक की है वैक्टर क्वांटिटी है, और इहदी डायरेक्शन, इहदी डायरेक्शन समझण दी लोड़ है। हुण देखो मैं इहदी डायरेक्शन बाहर नूं बनाई है, ठीक है मेरा पुत्तर, जे मैं इत्थे नैगेटिव चार्ज रखदा, इत्थे इत्थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज जगह मैं नैगेटिव रख दिंदा, तां उह मेरा बेड़ा फोर्स अंदर नूं लगणी सीगी, फिर की इहदियां दो डायरेक्शन हो जाणियां सीगियां, नहीं असीं लिखणा कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, इट्स अ डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, याद दिमाग से रखना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ डायरेक्शन इन द डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन जिधर नूं है ऑफ द फोर्स, जिधर नूं फोर्स लगती है एक्टिंग ऑन, पर फोर्स हमेशा करते रहनी है आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कि फोर्स हमेशा ही जी डिस्कस करनी है वो केस से करनी है कि यूनिट पॉजिटिव मेरा वाला टेस्ट चार्ज से जिधर नूं फोर्स लगेगी उही उहदी की होएगी डायरेक्शन होएगी। हुण ये दो गल्लां असीं इत्थे समझा कि इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन असीं किदां बोल रहे हैं। मान लो कि मैं एक बार की करदा पॉजिटिव क्यू चार्ज लैंदा, दैट्स अ सोर्स चार्ज, हुण जिहड़ा सोर्स चार्ज पॉजिटिव आ उहदी इलैक्ट्रिक फील्ड मैं पी पॉइंट से पता करनी है। हुण मैं पी पॉइंट से इलैक्ट्रिक फील्ड पता करन दे लई इत्थे की रखना मेरा बेटा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये की है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके नाउ
ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਪੈਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਊ ਨਾਟ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਓਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਜੇ ਸਰ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੋ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਟ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਆ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਅਸਲ ਕੌਜ਼ ਅਸਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਟਵਰਡ ਲੱਗਣੀ ਆ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡ ਲੱਗਣੀ ਆ ਓਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਫੋਰਸ ਅਪਾਨ ਚਾਰਜ ਦੈਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨਸ ਔਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂਲਮ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊਟਨ ਕੂਲਮ ਇਨਵਰਸ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਨਾਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫੋਰਸ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਆਂ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਆ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਐਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਫੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਕਿਸੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਰੋਮ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਆ ਕਿਊ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਦੈਟਸ ਅ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ
टेस्ट चार्ज रखना पैना, मतलब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पैना, ठीक है मेरा बेटा। और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इनू फोर्स एफ एक्सपीरियंस करेगा, इसलिए आप इसमें नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ओके नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वही होगी जो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स या सोर्स चार्ज करके। इसका मतलब अपन ने की क्या, अपन ने क्या कंसिडर सोर्स पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ पॉइंट पे अपना कोई क्यू टेस्ट चार्ज रख लेने हैं एट एंड P is the point, P pointer, okay, where we are going, जिथे ही जा रहे हैं, to find electric field जिथे आपने find out करनी है, okay, एक आपने आपने कहता let, can not unit positive test charge placed at point P, P point पे unit positive test charge रख दो, ठीक है, क्यों not test charge P point दे उते रख देता, and F is the force acting on unit पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ओके कहते करके ड्यू टू सोर्स चार्ज। नाउ सानू पता है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड साडे पास की है, ठीक है, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड सानू पता कि साडे कोल की है कि किन्नी फोर्स लगदी पई है, किन्ने टेस्ट चार्ज है, किन्ने टेस्ट चार्ज जिहड़ा आपां ने प्लेस कीता ते किन्नी फोर्स लगदी पई है, इहदा मतलब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ दे अकॉर्डिंगली जिहड़ी एफ आ ओह होएगी 1/4πε0, दिस वन चार्ज, दिस वन चार्ज अपॉन दूरी, मैं मान लेना के आर वैक्टर है, दैट्स क्लियर, ओके वैक्टर फॉर्म च लिख लेंगे आप मॉड दी स्केयर, और इतने आप एक यूनिट वैक्टर आर ले लिया, दैट्स क्लियर, ओके दैन हूँ ना हूँ असी डेफिनेशन लिखी हुई है कि आ वाली डेफिनेशन है, बस कुछ भी नहीं है, फोर्स की वैल्यू में डेफिनेशन जाके पुट कर दो, ओके then from question 1 and 2 from equation 1 and 2 पहली ते दूसरी equation तो जेडी electric field ही है और साडे पास force की value सानू पता लग गई 1/4πε0 q q naught r vector mod d square r cap upon इते force की value वाली वैल्यू फोर्स की इतने पुट कर दी क्यू नॉट और क्यू नॉट ना क्यू नॉट साढ़े को हो गया कैंसल दैन ई कि आ गई 1/4πε0 क्यू अपॉन आर कैप बॉट द स्केयर आर कैप, ओके इन मैगनीट्यूड, मैगनीट्यूड फिर सू डायरेक्शन दसन की लड़ नहीं है कि आर कैप का डायरेक्शन दस दिन मैगनीट्यूड, जे मैं डायरेक्शन की गल ना करा तो कल ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो असी न्यूमेरिकल सीधी पुट करा E 1/4πε0 Q अपॉन R दी स्केयर। इतों दो गल रिमैबर रखनी है, पहली कि फस्ट गल की है साढ़े पास कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड आ डायरैक्टली प्रपोर्शनल चार्ज दे, मतलब कि जिन्ना हाई मैगनीट्यूड का चार्ज हो ही जाएगा उन्नी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बधी जाएगी, ठीक है, और सैकेंड गल जी आपने कहनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जी इनवर्सली प्रपोर्शनल आ दूरी के स्केयर के, जिदा जिदा दूरी बधी जाऊगी वो स्केयर के नाल इलेक्ट्रिक फील्ड घटी जाएगी, ये साढ़े को है दिस साढ़े को एक्सप्रैशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक चार्ज करके पॉइंट चार्ज करके
किसी एक पॉइंट के उत्ते एक्सप्रैशन आने वाला जो वैक्टर फॉर्म इन द अपने को मैगनीट्यूड की फॉर्म के। थैंक यू।